दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल नेचर इन थर्ड फ्लोर पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये सर्दियों का जो मौसम है, ये जेरेनियम प्लांट के लिए बहुत बढ़िया है। इसकी ग्रोथ सर्दियों के मौसम में ही अच्छी होती है और गर्मियों में जो है डोरमेंसी में चले जाता है ये पौधा। इस पौधे में जो फ्लावरिंग और इस पौधे को बढ़िया रखने के लिए जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और जो है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो नई वीडियो में जो भी डालता हूँ वो आप तक जल्द पहुँच जाए। दोस्तों अगर जेरेनियम के प्लांट को आपने सर्दियों में अच्छी खाद वगैरह दी है तो ये ग्रोथ अच्छी पकड़ लेता है। देखिए मैंने जो है इसको ये सर्दी आने से थोड़ा कुछ एक महीने पहले इसको जो खाद दी थी उससे ग्रोथ तो पकड़ ली है, लेकिन इसमें जो अभी फ्लावरिंग है वो अभी बर्ड के रूप में अभी निकल ली है। देखिए ये हल्की हल्की जो है इसमें बर्ड्स आ रही हैं, हल्की हर एक ब्रांच में इसमें बर्ड आ रही हैं। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, इसको इस समय जो है कटिंग से लगाएंगे तो ये ग्रो हो सकता है अभी भी। इसको यहाँ से जैसे देखिए एक दो नोट छोड़ के आप अगर इसको यहाँ से कट करके इसको कोई भी पोरस मिट्टी में जिसमें या रेत में कहीं पर को भी लगाते हैं जिसमें पानी कम हो, पानी कम डालना है इसमें, उसमें ये कटिंग ग्रो कर लेता है। और इसमें जो एक मेन जो है इसमें फंगस लगने का डर तब रहता है जब इसमें पानी ज़्यादा हो। ज़्यादातर जो जेरेनियम के पौधे हैं वो पानी ज़्यादा होने से ही ख़राब होते हैं, इसलिए इसमें पानी जो है सीमित कर दिया जाए सर्दियों में तो ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं। ये देखिए जैसे इसकी मिट्टी, ये देखिए मॉइस्चर रहना चाहिए लेकिन इतना नहीं रहना चाहिए कि पूरे मिट्टी दलदल टाइप की बन जाए। मिट्टी जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया पोरस मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए। इसके लिए आप या तो जो है गोबर की खाद यूज कर सकते हैं इसमें, या जो है राइस हस्क का यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो मिट्टी आप तैयार करनी है उसका जो मैं वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा किस तरीके से इसकी मिट्टी तैयार करनी है, वो वीडियो आप देख के इसकी जो है मिट्टी तैयार करके इसको आप अभी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं किसी भी नर्सरी से लाकर। देखिए जो ये इसके जो पत्ते हैं ये देखिए पीले हो रहे हैं, देखिए जगह जगह से इसके जो पत्ते हैं पुराने पत्ते ये पीले हो रहे हैं। इनको आप जो जितने भी पीले पत्ते हैं जितने हो रहे हैं इनको आप निकालते रहिए, तो ये जो जितना पोषण है ये जो है पौधों की ग्रोथ के लिए, जो पौधों की ग्रोथ होगी उसके लिए जो है इसका पोषण उनमें जाएगा, ना कि ये जो पत्ते जो ख़राब हो चुके हैं इनमें इसका पोषण जाए। इसलिए जितनी भी पत्ते हैं आप इसके उनको किसी की भी सहायता से जैसे कैंची से काट दीजिए या हाथ से निकल रहे हैं हाथ से निकाल दीजिए, इनके पीले पत्ते पूरे निकाल दीजिए जितने हैं। अगर आप इसके जैसे पीले पत्ते हैं अगर ये निकालते रहेंगे तो पौधा थोड़ा अच्छा भी दिखेगा, हरा हरा दिखेगा और पौधा साफ़ सुथरा रहेगा तो इसका विकास जल्दी होगा और इसमें जो फ्लावर जो खिलेंगे वो अच्छी मात्रा में बढ़िया खिलेंगे। आप इसके जड़ के जितने पत्ते हैं देखिए, जड़ की तरफ जितने पत्ते हैं वो अगर निकाल देंगे जड़, तो ये ऊपर को पोषण, ऊपर को विकास होगा, इसका ग्रोथ जो है ऊपर को करेगा जिससे कि इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। इसके जड़ वाले पत्ते जो हैं जितने हैं सब निकाल दीजिए। और जेरेनियम के प्लांट का एक वो है कि इसमें इसको आप अगर जैसे आजकल पाला पड़ता है ये सर्दी में बहुत ख़तरनाक पाला पड़ता है जिससे कि ये पौधे जो हैं बिल्कुल पत्ते ख़राब हो जाते हैं, पौधे बिल्कुल डल पड़ जाते हैं। इसको आप बचाने के लिए इसको ऐसी जगहों पर रखिए जहाँ जो है पाले का असर ना हो, कोई शेड वाले स्थान में रख दीजिए जहाँ पर कोई इसको कुछ टाइम की धूप भी मिले। इसको अगर 5-6 घंटे की धूप मिली है दिन भर की तो ये जो पौधा है अच्छी ग्रोथ करता है और आप इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और इसमें पानी की मात्रा बहुत कम करें। अगर आपको इसमें फूल वगैरह अच्छी मात्रा में चाहिए तो इसके बीच बीच में आप जितने टॉप एरिया है इसको हल्का कट कर दें तो इसकी जो ब्रांचें हैं ज़्यादा आ जाती हैं। जैसे देखिए इसमें कितनी ब्रांचें आ चुकी हैं, एक ये है, 2, 3, 4, एक इधर 5, 6, 7, 8, एक पौधे में देखिए 8 ब्रांच हैं तो इसमें फूल कितने खिलेंगे। इसमें अगर फ्लावरिंग के लिए आप इसमें अगर केमिकल खाद का यूज कर रहे हैं तो हल्की 2-4 दाने इसमें DAP के 2-4 दाने इसमें जो है जड़ की ये साइड से हटाकर साइड ये पॉट के बिल्कुल साइड में देखिए यहाँ 2-4 दाने इसके डाल दें हर 10-15 दिन में। और अगर आपको DAP नहीं डालनी है तो आप इसमें गोबर की खाद या जो किचन कंपोस्ट जो बनाते हैं आप घर पे वो यूज कर सकते हैं जिससे इसमें फ्लावरिंग अच्छी हो। और इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, धूप
इसको अगर 5-6 घंटे की दिखाएं तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और जो आपका पौधा है वो करीब कम से कम 4-5 महीने तो फ्लावरिंग अच्छी दे देगा आपको। 5 महीने इसमें फ्लावरिंग बढ़िया रहेगी। एक बार लगाइए और 5 महीने तक फूल पाइए। ये देखिए, जैसे अगर आप इसको इसमें अगर कोई खाद दे रहे हैं या गोबर की खाद वगैरह, तो इसकी जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल की जो जितनी मिट्टी है आप इसको निकाल दीजिए इस तरीके से। टॉप सॉइल में अगर मिट्टी होगी तो खाद जो है वो ऊपर ही ऊपर रह जाएगी, जिससे कि इस पौधे की जड़ों में वो खाद का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसकी जो टॉप सॉइल है उसको हटा दीजिए। देखिए जैसे मैंने हटा दिया है, अब इसमें बताऊंगा आपको खाद कैसे दी जाएगी। आप या DAP डालें या कुछ भी डालें, लेकिन जो है इसकी टॉप सॉइल हटनी ज़रूरी है। ये टॉप सॉइल हटा दी। ये देखिए, आप जो गोबर की खाद है ये फुली डिकम्पोज खाद होनी चाहिए, कम से कम 1 या 1.5 साल पुरानी। इसको आप इस तरीके से लेंगे और इसकी जो टॉप सॉइल है उसके ऊपर ही गुड़ाई करके या कैसे भी आप इसको ऐसे डाल देंगे। ये डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसको धूप वाली जगहों में रख दीजिए। धूप वाली जगहों में रखने से क्या होगा, इसका जो क्लोरोफिल है अच्छी मात्रा में बनेगा और इसके पत्ते हरे रहेंगे और पौधे का विकास भी बढ़िया होगा। और अगर आपके जो पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसमें जो है NPK 20-20-20 का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में छिड़काव करेंगे, तो उससे भी आपके पौधे में ग्रोथ अच्छी होगी। और गोबर की खाद वैसे तो इसमें जितने न्यूट्रिशंस हैं पौधों के लिए वो सभी पाए जाते हैं। इससे हो सकता है कि ना हो, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा पौधा डल पड़ता है। गोबर की खाद के संग आप केमिकल खाद भी यूज कर सकते हैं इसमें। और आपको वो वीडियो कैसी लगी बताना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपके पॉइंट हैं। धन्यवाद।